उहे कपड़वा में दुबरा के वो पैंटवा आ ओइ में रख रखिया नीचा पानी में डल रखिया तिले छत लागल के पैंटवा त मनोरथ कहत रे तू आ भागते बाड़ी का रे तू पैंटो काई लगा बिक देली ओकरे लाइना त हम कहे ना दीदी हम नै खिलेलम पैंट हम काई ले लिया हम त घर धैले बानी तिले हम सास देख ले त कहत रे जे हम अरे जिस घर के ऊपर एक कांड हो गया त यानी अनिल की हत्या हो गई थी धार धार हथियार से ना किसी को पता चला ना कुछ चला। लेकिन आज हम अनिल के बारे में बात करेंगे कि अनिल कैसे व्यक्तित्व थे। अनिल जब हमने गांव में पूछताछ बहुत सारे लोगों से बात किया तो बताया जा रहा था कि अनिल बहुत शांत और शांत व्यक्ति थे। लेकिन जब बहुत सारा जब पहले टिकटॉक चलता था उस दौरान उन्होंने वीडियो बनाते थे, वो पहले एक वीडियो देखिए उसके बाद में भी वीडियो देखा आपको खुद मालूम चल गया होगा कि अनिल कैसे व्यक्तित्व थे। लेकिन एक ऐसा बात है जो सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाए, आखिर अनिल की हत्या कैसे हो गई इस बंद कमरे में। परिवार के सभी लोग इसी घर में थे, हालांकि इसी छत में आधी रात को उस अनिल की हत्या कर दी जाती है एक धारदार हथियार से, जिसे हम लोग लेदी काटते यानी छाटी काटते हैं, जिसका नाम गणासी है। उसी गणासी से उनकी कत्ल कर दी जाती है और किसी को भनक नहीं लगती है। असली भनक के कहानी और अनिल की कहानी है, और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पत्नी पर से भरोसा सबका उठ गया है। और एक कलयुगी महिला ने एक दरिंदी महिला ने एक हैवान महिला ने अपनी पति को इस कदर हत्या कर दी, साथ किसी को पता नहीं चला। आज सरदन है, ठीक 7 दिन पहले जब इसी दरवाजे पर हम लोग आए थे तो पूरा यह माहौल था, गमगीन था और सबके आंखों में आंसू था कि बेचारा अनिल मर गया। लेकिन अनिल की भाभी है और जो हत्यारी है उसकी बहन है। आपकी बहन थी हत्यारी? जी सर। अच्छा, क्या बताई है और कैसे पता चल गया कि उसी ने हत्या कर दिया? सर घर ने सरदा नहीं मेरा तब हम चादर ओढ़ लखे न तो हमारे सास कहनी चादर धोना दे ओढ़नी ओढ़ ले आ चल ते ऊपर चादर दे पर सुना कि उतार तो खूब खिसियनी हो खूब कहनी हो तो चादर धो दे लखी आ ओढ़ के ओढ़नी आ काख में दबले रही काख में दाब के आ गैनिया ले तो हम ननद गैनी तब सब तो गैनी सब जन सर तो लोग कपड़ा जवन पहने रहे तो उनका कपड़ा ना लिया जला वहाँ धो देवल जला तो सब जन कहलक यहाँ धो दे तो उहे कपड़वा में दुबरा के वो पैंटवा आ ओमे रख रखिया नीचा पानी में डल रखिया तिले छत लागल के पैंटवा तो मनोरथ कहत रे तू आ भागते बाड़ी का रे तू पैंटो काई लगा बिक देली ओकरे लाइना तो हम कहे ना दीदी हम नहीं खिलेलम पैंट हम काई ले लिया हम तो घर धैले बानी तिले हमारे सास देख लिया तो कहत रही जे हमर बलका हटे। हत्या तो आपकी बहन ने किया, आपने भी पहले भी बताया था पूर्व में और आज साबित भी हो गया, लेकिन प्रशासन इसे साबित नहीं कर पाया कि आपका परिवार ने साबित कर दिया कि हत्यारी वही है ना जी। लेकिन आखिर ये मामला स्पष्ट नहीं हो रहा, आखिर उसने हत्या क्यों किया? सर कान झगड़ा कर कोयले भी आ कान जाकर सुतल बाड़ सन बस उनका सूत गल बा नींद लागल बा आ कान सुनत बोल में 3-6 में जाबे क देले मैंने बोल का देख लीजिए। अगर पति पत्नी से आप भी झगड़ा करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि पत्नी कभी हत्या कर सकती है। अब ऐसा नहीं है कि सब पत्नी वैसा ही कर सकती है, हो सकता है 100% में 1% ऐसे कलयुगी महिला निकल जाए, लेकिन सावधान रहने की बात है। लेकिन एक बताए जो गोदी में बच्चा है, किसका बच्चा है? सर उनके। देख लीजिए, इस बच्चा को पता नहीं कि हमारे पिता नहीं है, अब ये भी इस बच्चा को पता नहीं कि हमारी माँ भी हमारे साथ नहीं है, क्योंकि उस हत्यारी माँ ने, उस कलयुगी माँ ने, उस दरिंदी महिला ने, उस हैवान महिला ने अब पुलिस के गिरफ्त में है और वह जेल में अब काटेंगी सजा। क्यों काटेंगी सजा? क्योंकि उसने अपने पति की हत्या की है। अब जाइए, आपके पिताजी हैं जो बहुत धनी मनी व्यक्ति है का? ना सर, पूछिए ना हमारे हस्बैंड से। अच्छा बताइए, आपके ससुर बहुत धनी मनी व्यक्ति? ना सर, गरीब आदमी खाए कमाए वाला आदमी, वो तो अपने जेल में बनी साल भर पहले से। जानते हैं साहब, जब एक बेटी का शादी करना होता है या एक बेटे के शादी करना रहता है ना, तब बाप एक एक रुपया गोटा करता है क्योंकि हमारे बच्चे को शादी हो और हमारी मान मर्यादा और प्रतिष्ठाओं को बचाए रखे। लेकिन उस महिला ने क्या किया कि उन माता पिता का भी इज्जत खा गई, इस बहन का भी इज्जत खा गई और इस परिवार का इज्जत खाई, साथ साथ में एक हत्यारी भी हो गई और अपने मां का सिंदूर भी खुद उजाड़ लिया। ऐसा नहीं कि उसने उजाड़ा, अपने पति के खून से भी नहाई, अपने पति के खून से अपने कपड़ों को धोई, लेकिन पता भी किसी को नहीं चला। लेकिन आज 7वें दिन अपनी पति का खून का साक्ष्य मिटाने के तौर से वह गई थी सरद नहाने के लिए, लेकिन उस दौरान पता चल गया कि असली हत्यारी यही है और उसने कबूला भी कि मैंने हत्या किया था, सिर्फ 3-6 तो मारा था, लेकिन उनकी जिंदगी उजड़ गई। लेकिन इस बच्चे का परवरिश कौन करेगा? आप लोग परवरिश करेंगे? जी सर।
ऐसा नहीं ना कि बच्चे को आप लोग दिक्कत देंगे ना। अच्छा से रखेंगे जी ना? ऐसा नहीं ना कि सुनील जी की आप कहेंगे कि बच्चा मेरा नहीं है, उसका बच्चा है तो उसे नहीं रखना है? ना सर, हम रखें, रखिएगा ना बढ़िया। हाँ, बढ़िया से रखें, हम अपना मान के रखें, अपना जैसे। एक दरिंदी महिला के कहानी हम आपको सुना रहे थे, और पति पत्नी का रिश्तों का शर्मसार जिसने किया।